फरा साहब, आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो, मुझे बताएं क्या बना, क्या बन सकता मेरी आरजुओं की जन्नत। देखिए सर, मैं आपको जो बताना चाहता हूं ना, उसको सुनने के बाद अगर आप मुझे यहां से निकाल देंगे तो मैं माइंड नहीं करूंगा। और अगर वो फिल्म का प्रोजेक्ट आप खत्म कर देंगे, तब भी ठीक है। आप फिल्म को छोड़ दें, मुझे ये बताएं कि उन्होंने क्या कहा। यही कहा कि खालिद भांजी को शर्म आनी चाहिए, मैं तो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन आखिर उन्होंने कोई वजह तो बताई होगी। सर अब मैं क्या कहूं, वो जो आपका स्मगलिंग केस और अरे वो स्मगलिंग का केस तो 25 साल पुराना है। इस वक्त मैं एक मुख्तलिफ आदमी हूं, और रहा लोगों की बातों का तो उनका क्या है। लोग तो हर बड़े और कामयाब आदमी के लिए कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। उन्हें मेरा माजी नहीं, मेरा हाल देखना चाहिए था। नहीं नहीं सर, मैं आपको इस मुश्किल से नहीं गुजारना चाहता। सर मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। ये क्या कर रहे हो फरा साहब? अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? आप इससे ज्यादा और क्या डिस्टर्ब करेंगी आप मुझे जी? लोगों से मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें सुनकर राय कायम करने के बजाय बेहतर था कि आप मुझे खुद जज करती। क्या मतलब? और जो स्मगलिंग केस था ना, वो आज से 25 साल पहले का था। कहेंगी तो उसकी डिटेल भी सुना दूंगा। माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझी नहीं। ओह, अफसोस तो इसी बात का है कि आपने मुझे परखे बगैर रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट? क्या रिजेक्ट? फराज, ये तुम बताओगे या मैं बताऊं? अरे आप यहाँ? तुम यहाँ? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैं आपस में हेलो हाय बात नहीं कीजिएगा, पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। कैसा सवाल? आपने मुझे रिजेक्ट क्यों किया? किस चीज के लिए रिजेक्ट? आपने फराज को ये नहीं कहा कि आपने मेरा शादी का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया? क्या? क्या? फराज, ये तुमने ये कहा? ये क्या कह रहे हैं? मैं बताता हूँ। आप यकीन कीजिए, मैं बुरा आदमी नहीं हूं। फराज साहब, तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। हेलो, हाँ मैं पहुंच रहा हूँ। यस, ओके। शहाब भाई, मिल्कशेक मांगा था। अल्लाह बख्शे, हमारे दादा कहते थे सवेरे सवेरे दूध पीना चाहिए। तो मिल्कशेक में भी तो दूध ही होता है ना, और अब आपने ये देसी टोटके जो है ना नाइल पे आजमाए, मुझ पे नहीं। हेलो, क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम आरफा खाला। नाश्ता? हाँ शाहब भाई, प्लीज मुझे सैंडविचेस बना दे, मगर ब्राउन ब्रेड के, ये नहीं। और हाँ, उससे पहले कॉफी। जी जी, नाश्ते से पहले कॉफी? हाँ यार, कनाडा रह के आदत होगी सारा दिन कॉफी पीने की। वैसे क्या करें, वहाँ ठंड इतनी होती है, यही करता है इंसान। आई कैन इमेजिन, लेकिन ये सुबह सुबह का नाश्ता तो ठीक से करें, क्या ब्राउन ब्रेड के सैंडविचेस खा रही हैं? ना भाई, वेट कंट्रोल करने के लिए ये जरूरी है, और वैसे भी वो एनी आएगी ना, उसके साथ करना तुम देसी नाश्ते। कब आएगी वो? पता नहीं, मैं तो थक गई हूँ उसको फोन कर करके। अब तो शादी भी सर पे है। हाँ अच्छा, ये राबिया कहाँ है? फैसलाबाद वालों के घर गई हुई है वो। What? अरे मुझे क्या पता था कि आंटी उसके दफ्तर में आ जाएंगी। यानी आपने इनकार की बंदूकी नानों के कंधों पे रख के चलाई। यार भांजी तो मेरे कंधों को सीरियस लेते नहीं है, मैं क्या करूँ? अच्छा फिर क्या होना था? उसने सारे गिले शिकवे आंटी के सामने बताए, और आंटी को तो पता नहीं था। जब उनको पता लगा तो तब तक वो वहां से जा चुकी थी। Damn. वैसे आपको छुपने के लिए सिर्फ मेज मिली थी क्या? अबे तो क्या बुक शेल्फ में छुपता मैं क्या? I'm really feeling sorry for you. बहुत टेंशन में आप। हाँ यार, भांजी से बात हुई? नहीं यार, मैं काफी देर मैंने उसको ट्राई किया, उसका फोन लग नहीं रहा। मुझे लगता है कि खुदकुशी के लिए नेटी जेटी के पुल पे ना चला गया। यानी कि आपकी फिल्म तो गई। अरे यार, मेरी क्या, शोएब मंसूर भी होता उसकी भी फिल्म चली जाती। ट्रू।
और नानो बात हुई उनसे? बस दुआ करो, उनसे बात करने जा रहा हूं। टेंशन में क्यों है, किसी जहाज पे जा रहे हैं? वैसे बी केयरफुल। लगते हैं कितने प्यारे कुछ लोग, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे कुछ लोग, कुछ लोग कर भी लगते हैं कितने प्यार। क्या नाम था किताब का? शर्मिंदा होने के 101 तरीके। अरे आप यहाँ बैठी है, मुझे पता ही नहीं था। एक्चुअली मैं आपसे कोशिश भी ना करना कुछ कहने की। बात तो सुने, मुझे तो यकीन नहीं आता कि मेरा अपना दामाद मेरे खिलाफ इस तरह से बातें करेगा। अरे आप तो ऐसा कह रही है जैसे मैं आपकी शादी कराने चला गया हूँ। क्या मेरा मतलब ये है कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। वो बुढ़ा तुम्हारे सामने अपने गले सड़े दिल के हालात बताता रहा और तुम होके सुनते रहे। मैंने सोचा कि सुनने में क्या हर्ज है, उसका दिल हल्का हो जाएगा और तुम्हारी फिल्म बन जाएगी। बड़े अफसोस की बात, आपको ये लगता है कि मुझे अपनी फिल्म आपसे ज्यादा अजीज है? हाँ। अच्छा, वैसे तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके हुस्न और पर्सनैलिटी के कदरदान आज भाड़ में जाए कदरदान। एग्जैक्टली। और तुमने ये भी ना सोचा कि सिला और रबिया को पता चल गया तो वो दोनों क्या कहेंगी? भाई इसीलिए तो मैं उसे मना करने के लिए गया था। अगर आप वहां ना पहुंचती तो आपको कभी पता ना चलता और ये मसला अपनी मौत आप मर जाता। मैं शुरू से कहती थी कि ये आदमी ठीक नहीं है, मगर तुम हो कि तुमने एक ना सुनी मेरी। अरे मैंने तो नहीं कहा था कि आप उसके साथ जाके कॉफी पिए। कॉफी मैंने इसलिए पी थी कि मैं उसका शुक्रिया अदा कर सकूं, और उस एक कॉफी की बेसिस पर तुम मुझे सारा का सारा ब्लेम नहीं दे सकते। लेकिन मेरी बात तो सुने। मैंने तुम्हारी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी, बस सुने। हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो, लव, पसंद उसने किया, पसंद ये आ गई है, इन शीरीन फरहाद के चक्कर में मैं क्यों मारा जाऊं? कमाल है, तो एक्टिंग ही भूल गया हूं। सिला, तुम्हें शेरवानी कैसी लग रही है? ओ यार, जैसी भी लग रही है यार, जल्दी कर लो, मुझे अपना आप स्टैचू लग रहा है। स्टैचू नहीं कहते, मैनेकुन कहते हैं उसे। और जो भी कहते हैं, मेरा तो एंगर बनाया हुआ है ना तुमने पिछले 2 घंटे से। तुम मुझे क्यों कह रही है सब कुछ? मुझे कोई शौक नहीं पिछले 2 घंटे से मर्दाना शेरवानी जो ढूंढ रही हूँ, तुम्हारे नहीं कर रही थी। अब मेरी शादी के जोड़े को तो पता नहीं, एटलीस्ट तुम तो अच्छे लोगों बारात में। रिलैक्स यू गाइस। सिला, ओए तुमने तो मेरा सरगोधे वाला जोड़ा देखा ही हुआ है ना, ओ कितना कोई प्यारा उसके ऊपर काम हुआ है गोल्डन और सिल्वर धागे से। स्वीटी, मुझे तुमसे शादी करनी है, आरिफ लोहार से नहीं। टर्न अच्छा सुनो, तुम दोनों लड़ने के बजाय अगर कपड़ों पर फोकस करना तो बेहतर नहीं होगा? वैसे भी मैं अपने बच्चों को घर पर छोड़कर सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि तुम दोनों मिलके ना शेरवानी डिसाइड कर सको। और तुम दोनों ओके? क्या, मुझे क्यों कह रही हो? ये मेरा सरदर्द बना हुआ है सुबह से, इसी की वजह से कर रही हूँ सब कुछ। अच्छा यार, ओए आप बेफिक्र हो जाए। भाई जी आप एक काम कर दे हैं, ये तीनों जो है ना ये इनको पैक कर दे और आप रात वाले दिन ना इन्हें भी निकाल लेना, जौन सा भी निकला है वही मैं पहन के बाहर आ जाऊंगा। वेरी फनी। अच्छा मुश्ताक सुनो, जो हमने नीचे वाली दुकान में शेरवानी देखी थी वो ठीक नहीं थी? हाँ, आर यू श्योर? व्हाट डू यू थिंक? हाँ यार, जो भी प्लान है प्लान हो, मैं तो पजामा पहन के भी बाहर आ जाऊंगा। चलो बच्चा, हमने देख लिए, हम बस अभी आते हैं। थैंक यू। चलो बेटे, शेरवानी वापस कर लो। यार वो हाउ आर दैट बेज एंड मरून वाली शेरवानी, जैसी वो उठा के लाएगा ना बिल्कुल पेंडू लगेगा, ये बिल्कुल भी चिकनी। तुम दोनों ने वो डांस रिहर्स कर लिया? हाँ, डोंट वरी, लेला ने तुम्हें तुम्हारे गाने वाले स्टेप से खा दिए ना। हाँ, रिहर्सल कभी कर चुके हम लोग। ओए, ओ क्या मतलब, तुम भी अब डांस करोगी? ऑफ कोर्स, शादी है, क्यों नहीं करेंगे? ओ तो अपनी शादी पे कौन करता है? सब करते हैं, और तुम भी करोगे? ओ पागल हो, और मेरे खानदान में दूल्हा दुल्हन डांस नहीं करते। एक्सक्यूज मी,
मेरी शादी में मुझे क्या करना और क्या नहीं करना इसका डिसीजन सिर्फ मैं लूंगी, कोई और नहीं, ठीक है? अच्छा अच्छा, अब इस बात में मुझसे लड़ना ना शुरू कर देना। तुम लोग कितना लड़ते हो भाई? लैला कहाँ है? वो पहुंच गई अपने घर। 1 2 3 राइट फर्स्ट। क्या तुमने कहा था कि पहले राइट लगाई करो फिर लेग लेग? क्या करूं क्या करूं? एटलीस्ट बीट पे तो जाओ ना तुम। मुझसे नहीं हो रहा ये सब यार। अल्लाह का वास्ता एक बार मेरे लिए कर लो, फिर मुझे भी तो जाना है ना। मैं खुद से अकेले प्रैक्टिस कर लूंगा, ठीक है? तुम छोड़ दो। ठीक है, अगर मेहंदी वाले दिन स्टेप्स भूले तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। या ओके फाइन। जा रहे हो? कहाँ जा रही हो? रुको बैठो, कुछ देर बैठो तो। मेरा डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है 5 बजे, तो आई हैव टू गो, बाय। एक मिनट, डेंटिस्ट क्यों? वो रेगुलर चेकअप। हाय हाय, माशाल्लाह, हो ताला मारे घर कौन आया है? मैं सद के जाऊं मेरी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। है तुम कब आई हो बेटी? है वो बस इसको डांस प्रैक्टिस करानी थी आंटी। अच्छा, इसका मतलब है तुम और विकी इकट्ठे डांस कर रहे हो? और लोग भी होंगे। हाय फर्क कराओ सबको, कपल तो तुम लोगों का अच्छा लगता है ना। मम्मी जी कपल नहीं, पेयर। वे कोई गल वे। अच्छा खुदा से बात तो सुनो ना, खाना खा के जाना। देखो तुम्हारा अपना ही घर है, दरअसल वैसे कि तुम्हारा ही घर है, मैं तो हमें थोड़ी देर के लिए आ जाती हूँ यहाँ पे। मम्मी जी इसे जाने दे, शी हैज टू गेट समवेयर। चुप कर जा रहा, पहले ये बताओ कि शादी पे तुम्हारी मम्मा भी आएंगी? जी आंटी, वो तो इंग्लैंड में होती हैं। है कब की गई? इंग्लैंड ही ना जाना पड़े। लैला ओके, नहीं नहीं बात सुनो ना, इस तरह करना कि तुम्हारी मम्मा को कहना कि मैं बड़ा याद कर रही हूँ, मिली तो नहीं उनसे लेकिन मुझे याद बड़ी आ रही है वो। ओके बाय। ओके बाय बाय बाय। सुनो, मेहंदी के ऊपर वही जोड़ा पहन के आना, बड़ा प्यारा लग रहा था, इतनी को प्यारी लग रही थी तुम। मम्मी जी क्या हो जाता है आपको? अच्छा जी, मुझे कुछ हो जाता है? तो जब मैं उसकी तारीफें कर रही थी तो तेरे जो आने गोल गोल घूम रहे थे उनका क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ओए होए होए होए, रहने दो, असली बढ़िया मोहब्बत की थी, सानू बड़ा पता है जी। नहीं मेरा मतलब यह है कि बात सुन ना, माजी के अंदर रहना तो कोई अकलमंदी नहीं ना है मेरे बेटे। इंसान मुस्तकबल की तरफ देखता है, आगे बढ़ो, एक बार और ट्राई करो। जानता हूँ। तो फिर तेरा मसला क्या है? बस घबराता हूँ कि फिर उस सब से गुजरना। ले शी जवान आदमी, जितनी बारी मर्जी गुजर जाओ उस रास्ते से। क्या? ओ, मेरा मतलब ये है कि देख वो लड़की तुझे भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, देखी पाली है, सोनी कुड़ी है, एड़ी एड़ी आँख, एड़ी लंबे वाल है, तुम लोगों के दोस्तों का ग्रुप भी एक ही है। तो फिर तेरी जिंदगी के अंदर तू देखना, वो इतनी फिट बैठेगी, इतनी फिट बैठेगी जैसे जैसे किसी सोफे का फोम नहीं बैठ जाता उस तरह करके। मम्मी जी तंग कर रही हूँ ना मैं तुझे, है? एक दफा बात चलाओ। नहीं नहीं रहने दें, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा, और जब आपकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बुला लूंगा, अभी छोड़ दें। तो फिर मेरा बच्चा माँ सबके जावे, हैंडल विद केयर करिए। अच्छा हेलो, आप फराज साहब बात कर रहे हैं? कौन बोल रहा है? मैं खालिद भांजी साहब का सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, खालिद भांजी साहब ने आपको पैगाम भिजवाया है कि अगर आप माइंड ना करें तो उनके घर आकर मिल सकते हैं। आपको यकीन है कि मुझे ही बुलाने के लिए कहा है? जी जी सर, आप ही को कहा है। देखिये भांजी साहब ने जो मुझे फिल्म का एडवांस दिया था ना, वो मैं किसी वक्त भी देने के लिए तैयार हूँ। मैं कुछ समझा नहीं भाई। वो भांजी साहब ने पैसों के लिए बात करनी होगी ना, तो मैं भिजवा देता हूँ। सर ये तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने आपसे क्या बात करनी है, लेकिन आप अगर एक बार आकर उनसे मिलने तो मुनासिब होगा। अच्छा जी ओके, अल्लाह ख्याल करे मेरी फिल्म का क्या होगा। निबील कपड़े इस्त्री कर देते ना। ओके ओ हाँ, वो मामा का फोन आया था दुबई से, वो कह रही थी कि अगर तुम्हें शादी के लिए कोई ज्वेलरी चाहिए हो तो वो लॉकर से निकाल लेना। है मेरे पास अपनी ज्वेलरी, पहन लूंगी वही। हाँ वो बस ऐसी ऑफर कर रही थी। मुझे नहीं चाहिए वो सिर्फ 4 सेट। ढोली तुम ये बात तंज के बगैर भी तो कह सकती हो ना। तंज नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ कि सिर्फ 4 ही सेट हैं। हाँ तो भाई नॉर्मल घरों में इतने सेट दिए जाते हैं यार, और वैसे भी किसी सुनार से थोड़ी शादी हुई है तुम्हारी। आपके यहाँ नॉर्मल घरों में देते होंगे इतने सेट, हमारे जरा खानदान की शादी देखे पता चले।
हाँ देखी है मैंने वो शादी भी। किसकी? आजर की? वो भी आप जैसे लोगों के साथ रह रहा है कि आप जैसा ही हो गया। टॉली बैठो मेरे पास, इधर इधर आओ। अब ये तुम क्या, आप जनाब हमारा तुम्हारा कर रही हो, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? मुझे बताओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा यार? छोड़ो टॉली प्लीज यार। रिबील तुम्हें नहीं लगता कि वो फ्लैट हम सब के लिए छोटा है? तो तुम्हारे घर वाले भी तो फ्लैट में रहते हैं। आरजी है, देख लेना, अब्बाई ने पूरे 1000 गज का प्लॉट खरीदा डिफेंस में। तो ठीक है भाई, जब मैं तुम्हारी अब्बा जी की उम्र का होऊंगा तो मैं भी ले लूंगा। निबील मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। टॉली बैठो मेरे पास। अब मुझे बताओ यार कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसे गुस्सा हो रही हो, क्यों नाराज हो? मैं नहीं बता रही, तुम्हें समझ तो आती नहीं है। तुम बताओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा मुझे? देखो मेरी बात सुनो, वो जो फ्लैट है ना वो बड़ा अजीब सा है, मैंने नहीं उसमें रहना, उसमें तुम्हारी मम्मी जी के साथ रहना। ये खालिद बांजी का घर है या देवदास का सेट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए फराज साहब तशरीफ रखिए। तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है लेकिन दिल का मौसम ठीक नहीं। हाँ अक्सर इस उम्र में बॉडी पार्ट्स को यही शिकायत रहती है। हार्ट अटैक नहीं हुआ? ओ दिल टूटा है। खैर मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि उस वाक्य के बावजूद आप मेरे कहने पर मेरे घर मुझसे मिलने आ गए। मैं भी आपसे सॉरी कहने आया हूं कि आपको उस सारे वाक्य से गुजरना पड़ा। मैं आपसे शर्मिंदा हूं। आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? शर्मिंदा तो खालिद भांजी को होना चाहिए। खालिद भांजी जो दुनिया में हर चीज हासिल कर सकता है, बस एक मोहब्बत ना हासिल कर सका। मैं आपका दर्द समझता हूं। नहीं फराज साहब, मेरा दर्द कोई नहीं समझ सकता। कोई नहीं समझ सकता यानी कि कोई भी नहीं समझ सकता? और आपको जरूरत क्या थी मुझसे झूठ बोलने की कि आपने उनसे बात कर ली है? दरअसल मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। आप ये तो आप कौन सा जुड़ा हुआ है? ये अभी तबीयत शुरू हो गया, मुझे लगता है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। आई एम सॉरी फराज साहब, असल में मेरे दिल में इतना गम और गुस्सा भरा हुआ है कि दिल चाहता है कि मैं किसी को उठा के खिड़की से बाहर फेंक दूं। अच्छा मैं चलता हूं। इट्स ओके, बैठो बैठो। देखिए मांझी साहब, फिर साहब अंकल नहीं कह सकते? खैर अब कैसा अंकल, कहां का अंकल, जो जी में आए कहो। भांजी साहब सॉरी अंकल साहब, वो जो चेक एडवांस का आपने मुझे दिया था वो मैं वापस करने आया हूँ। नो हार्ड फीलिंग्स। फराज साहब मुझे अफसोस है कि इतने अरसे में आप मुझे पहचान नहीं सके। खालिद भांजी ने आपके साथ फिल्म की कमिटमेंट की थी और खालिद भांजी कभी अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटता। मतलब ये चेक रखें और फिल्म पे काम करें, और बजट के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे सेक्रेटरी को बता दीजिएगा, अब वही डील करेगा आपसे। लेकिन सर इट्स ओके, मैंने आपके साथ काम का वादा किया था और मैं काम और पर्सनल लाइफ को मिक्सअप नहीं कर सकता। आप जाइए अपना काम कीजिए और आइंदा मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। अब मैं ना आपसे कॉन्टेक्ट करूंगा और ना आपकी सास से। जी और हाँ, मेरे जहन में एक खूबसूरत नाम आया है तुम्हारी फिल्म के लिए। कौन सा नाम? रेजा रेजा हो गया
मेरी हसरतों का महल। कैसा है? अगर मैं तो एक कॉमेडी फिल्म बनाना चाह रहा हूँ। यार तू बड़ा इधर गाड़ी रोक रहा, और इधर गाड़ी रोक, एक काम कर, अंदर जा जाके चार साल के बच्चे के लिए कोई सालगिरह का तोहफा तो ले आ। अबूजी आपको वड़ाइट साहब के मीटिंग पर जाना था। ओए पुत्र उधर भी जाना है, पहले उनके पुत्र की सालगिरह है, उसके बाद मीटिंग होगी। आप लोग चार साल के बच्चे की बर्थडे पर मीटिंग कर रहे हैं? मम्मी जी ठीक ही कहती हैं, पॉलिटिक्स इज वियर्ड। और यार मेरी बात सुन, जो मैं कह रहा हूँ वो कर। अच्छा और तेरी माँ को ना बदल लेने तो तबाह ले जाएगी मेरा वो। हाँ जल्दी जा फटाफट। हो तुम्हारा डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट नहीं था? हाँ वो, लेकिन हाय विकी। अच्छा तो आप हैं विकी, बहुत सुना आपके बारे में, कब से बोल रहा हूँ कि अपने फ्रेंड से मुझे मिलवाए, लेकिन ये सुनती नहीं। और घर वालों तक तो ठीक था, अपने अब दोस्तों को भी तुम डेंटिस्ट का बहाना करके मुझसे मिलने आती हो। नहीं अदील वो मे भी शायद ये अभी हम पे इतना ट्रस्ट नहीं करती है। अच्छा दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। Why don't you join us for coffee? Nah, you guys carry on. No, seriously, कोई formality थोड़ी है। अब हम उस age में थोड़ी हैं जो अपनी date पे किसी के आने से हम नाराज हो जाएं। No, yeah, actually, I have to go. My father's wedding outside, and date to date होती है यार, so have fun. Okay, you have fun. Bye. ये खामोश क्यों? चले। वे यकूब, तू अन्ना तो नहीं हो गया है? तूने इतनी पैड़ी इसमें ले रखी है कि नजर आ रहे इतना इतना बड़ा टांका लगाया, तो ये कुंदन के ऊपर देखना तूने कि ये थूक से चिपकाया। लगता है तूने रात का जो बच्चा हुआ आता था ना, उससे सारे नगीने चिपका दिए। इसको कीड़ियां चढ़ गए नहीं किसी ने उसके घरारे को, फिट है मुंह तेरा। दर्जियों का भी अल्लाह ही जी। टाके की मेहंदी सर पे आ गई और आपने अभी तक सुखी का जोड़ा ही तैयार नहीं किया। तो क्या अपनी नाक सी दूं इसके अंदर? लगी तो यूं नजर नहीं आ रहा तुझे। अच्छा चले मम्मी जी, आपने ना मुझे भी जोड़ा देना है मेहंदी भी पहनने के लिए। अच्छा क्यों, जो तेरे जहेज के 101 जोड़े थे उसमें से पहनना कुछ? मैंने नहीं पहनने वो ओल्ड फैशन पिछले साल के। हाय हाय, तो मुझे तेरी बरी के जोड़े थे उसमें से कोई पहन लेना ना। हाय हाय, इतने फीके फीके रंग मैं नहीं पहन रही। ले दस, जब तेरी सास वो ले रही थी तो बोली क्यों नहीं उस वक्त? उसे पूछा किसने था? वैसे बेचारे हैं तो बड़े अच्छे, पर फीके तो बोर हैं। उनका हाल क्या तेरे ससुराल वालों का? क्या हाल होना है मम्मी जी, ससुर सुबह उठते हैं कॉलेज चले जाते हैं, सास अपने काम पे चली जाती हैं, रात को आते हैं खाना खाते हैं किताबें पढ़ते हैं और सो जाते हैं बस। खैरी सल्ला, बड़े ही वैसे कोई सुचल बर्गर है फिक्के ते फाके। वैसे बात सुन, अच्छा उन्होंने वो अपना अपार्टमेंट बदला कि नहीं बदला? नहीं। क्यों? उनके बेटे की शादी होगी, अब उनको अपनी जिंदगी में कोई चेंज लाना चाहिए। वो कहते हैं कि चार लोगों के लिए बड़ा है इतना फ्लैट। हाय हाय, कहाँ काफी है, लो बंदा खींच के साह भी नहीं ले सकता, तो नाल वाला डिस्टर्ब हो जाता है। उम्मीदा क्या हुआ? नहीं हौली सांस लेनी, स्टेंट पड़े हुए हार्ट में, निकल जाएंगे। वो आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? मुश्ताक के ताया जी। हाय मैं मर गई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। मम्मी जी अभी तक वो पहुंचे थोड़ी है। अभी तो फोन ही आया ना। नहीं वो बड़े गुस्से वाले, और वैसे भी ना उनके आने से पहले मुझे प्रैक्टिस करनी थी, कपड़ा बड़ा बदतमीज है फिसल जाता है। वैसे खाला आपकी तो नाराजगी नहीं थी चल रही उनके साथ? बेटा मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन वो को बड़े अजीब से इंसान है ना, सारी जिंदगी शादी नहीं की, कोई बच्चा पैदा नहीं किया, आप पे रूठ जाते हैं, आप पे मान जाते हैं। बड़ा उनका रोब है वैसे, लेकिन ये जो मजाज है ना उनका, ये कोई अथरी बीवियों वाला ही है, कभी रूठ जाते हैं तो कभी मान जाते हैं, पर है बड़े डाडे। मुश्ताक को जरा फोन तो कर, जा बेटे बेटे जा। हमारी सारी सारी शादी इन्होंने तबाह में डाल देनी है, इतने कोई रोब वाले। मुझे तो बड़ा डर लगता है आइटम नंबर का क्या होगा। हाय फराज, फराज जी मैं और आप क्या करेंगे, दूर दूर बैठेंगे। ताका तो फोन ही नहीं उठा रहा, फिर सुकैना के साथ तो नहीं है? खसमा नु खाए ताका, मुझे टपड़ी पड़ गई हमारी शादी फीकी ना पै जाए। उन्होंने प्रोग्राम पक्का है? पक्का है ना, बिल्कुल। तू है ना उन्होंने प्रोग्राम कच्चा करने वाला, प्रोग्राम कच्चा कर दे। जी बीबी ब्रेड हो गया? हाँ बस हो गया बीबी जी।
आमिर साहब क्या हो रहा है? कुछ नहीं जी सर। सर आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा आज मैं खालिद भांजी के यहाँ गया था। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। हटो साहब। एक बार सुन ले उसके बाद मत कीजिएगा। बोलो। आज मैं खालिद भांजी के यहाँ गया था। क्या? आज मैं सर मैं बाहर चला जाऊं। क्यों? क्योंकि सब साफ साफ सुनाई दे रही है। तो जाना तो इतनी देर से खड़ा क्या कर रहा है? आज मैं भांजी के दफ्तर गया था। मैं उस शख्स का नाम भी यहाँ नहीं सुनना चाहती। तो ठीक है उसका नाम मोहम्मद राणा रख लेते हैं। आज मैं मोहम्मद राणा के दफ्तर गया, मोहम्मद राणा को उसकी फिल्म का चेक वापस किया, मोहम्मद राणा ने वो चेक लेने से इनकार कर दिया। वो तो उसने करना ही था, आफ्टर ऑल वो इसी तरह के बहाने लगाकर यहाँ तक पहुँचा है। मोहम्मद राणा ने मुझे साफ साफ कह दिया आज के बाद वो आपको बिल्कुल कॉन्टेक्ट नहीं करेगा। और फिल्म? फिल्म की प्रोडक्शन का जो खर्चा है वो मोहम्मद राणा का सेक्रेटरी मुस्तफा टेंट देखेगा। और मोहम्मद राणा ने ये कहा है कि मेरे और आपके दरमियान जो मोहम्मद राणा की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, मोहम्मद राणा आइंदा आपको शक्ल भी नहीं अपनी दिखाएगा। वाकई? जी। मजाक तो नहीं कर रहा था वो? ऐसे उसकी हालत से तो नहीं लग रहा था। आप भी वैसे ना इस खौफनाक वाक्य को भूल जाए। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि रबिया और सिला को पता लगने से पहले ही ये वाक्या खत्म हो गया। हाँ अब आप भी जाने देना है अपने नाराजगी। अच्छा अच्छा। और फिर मोहम्मद राणा का फोन आ गया। असली वाला। हेलो, हाय मोमी, क्या हाल है यार? वो अपनी फिल्म है ना ये दिल आपका हुआ का गाना, तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से। हाँ वो अब मैं एक नए लड़के और नई लड़की पे करना चाह रहा हूँ। लड़के का नाम है खालिद भांजी और लड़की का नाम नहीं वो ठीक है, तुम दोनों पे ठीक है वो। हाँ और तुम और सना पे वो गाना अच्छा लगेगा। काम डाउन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। एक मिनट, विकी ने मुझे दिल के साथ मॉल में देख लिया। ये वाला पार्ट मुझे समझ आ गया था, आगे बताओ। I was embarrassed यार, मैंने विकी से कहा था कि शाम को मेरे डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है। तुम विकी को बता देती कि अदील तुम्हारा डेंटिस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल अदील किसी भी एंगल से डेंटिस्ट नहीं लगता। दूसरी बात ये कि मैं डेंटिस्ट के साथ शॉपिंग मॉल में क्यों घूमूंगी यार। और तीसरी बात ये कि अदील ने ओवर कॉन्फिडेंस में सब कुछ बता दिया कि हम दोनों डेट पे आए हैं। क्यों? आई डोंट नो, ज्यादा ही अपनी स्मार्टनेस दिखा रहा था। कह रहा था कि आपके बारे में तो मैंने बहुत सुना है। आए हमारे साथ कॉफी पिए ना। चलो खैर, अच्छा विकी को पता चल गया, कभी ना कभी तो उसे पता चलना ही था ना। एंड यू वुडंट हैव टू डू द ऑनर्स नाउ। न जाने वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा यार। तुम उसकी शक्ल देखती, ही लुक्ड सो सरप्राइज्ड। उसने तुमसे कुछ कहा? कह देता तो अच्छा होता, कम से कम मैं ये गिल्टी फील तो ना कर रही होती। अरे बाबा तुम क्यों गिल्टी फील कर रही हो? इट्स नॉट लाइक विकी और तुम एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो। तो फिर अगर उसने तुम्हें अदील के साथ देख लिया तो क्या हुआ? बट मैं दावे तो करती हूँ ना, उसकी बहुत अच्छी दोस्त बनती हूँ यू नो। वो कह रहा होगा कि मैंने इसको ये सच नहीं बताया था। यू नो आई एम सीइंग दिस गाय। तुमने उसे कॉल की? कॉल तो नहीं की, एक मैसेज किया था हेलो का, उसका भी रिप्लाई नहीं दिया। तो वो कहीं बिजी होगा या नाराज भी हो सकता है। रिलैक्स लैला, विकी इतना इमैच्योर नहीं है। आई डोंट नो, खैर आई विल टॉक टू यू लेटर, बाय। बड़ा रोमांटिक माहौल बनाया हुआ है, तस्वीरें देखी जा रही है। नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, नजर आ गया मुझे। वो तेरी शादी में तस्वीरें खींचनी है ना, तो पिक्चर्स डिलीट कर रहा था मेमोरी में जगह बनाने के लिए। वो मोबाइल की मेमोरी से डिलीट कर रहा है या फिर अपनी? ऐसा कुछ नहीं है यार। तो फिर कैसा है? क्या बोल रहा है यार, मतलब क्या है? लगता है लैला की तस्वीर पे आके तेरे हाथ ही रुक गए हैं। फिकर ना कर, वो भी डिलीट कर दूंगा। हाँ नहीं, मेरे कहने का मतलब है कुड़ी बुरी नहीं है, और वैसे भी तुम दोनों की बहुत अच्छी बनती है। ये ताकि तेरे में मम्मी जी की रूह कब से आ गई भाई? और यार और मेरे बाद तेरी तो बारी है, और वैसे भी अपनी पसंद की कुड़ी ले आ, ये ना हो सैमा खाला अपनी पसंद की कोई ले आए। ओ हेलो, ऐसा कोई सीन नहीं है। और अगर तू ऐसा सोच रहा है ना, तो फिर तो मम्मी जी को ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि लैला के पास है लड़का शादी के लिए। है ना कर केड़ा लड़का यार? वो है ना अदील, मिला था आज मैं शॉपिंग मॉल में उससे, लैला के साथ घूम रहा था। लो और मैंने किसी ने दसिया भी नहीं। तो सबर कर, मैं जरा उस सुखी को तो पूछूं। और छड़े यार, क्या हो गया तुझे?
वैसे वो अपनी शादी की वजह से इतनी स्ट्रेस हुई है, और ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आ रहा है शादी में मिल लेना उससे। आ रहा है शादी पे, तू कहता है तो मैं उसे वरने भी नहीं दूंगा यार। ताकि लैला मेरी सिर्फ एक अच्छी दोस्त है, एंड ट्रस्ट मी, इफ शी इज हैप्पी आई एम हैप्पी, नो वरीज। अब देख ले अच्छी लड़की है, कहीं ये ना हो लैला की शादी में तंबू में कुर्सियां लगाता हुआ तू रोता फिर रहा हो, और वैसे भी तू ताके को जानता है, बोले तो मैं उसको फारक करा देता हूँ। ओ भाई माफ कर यार तू मुझे, तू अपनी शादी की फिक्र कर, बल्कि तू ताया की फिक्र कर। यार तू की याद करा देता, सवेरे उन्होंने भी पिक करन जाना। अब बोल भाई, और फिर कैसी तबीयत है मेला साहब? हाँ जी शुक्र है अल्लाह का। बड़ा अच्छा किया आपने, आप आ गए शादी। हाँ जी वो तो आना ही था ना जी। ताया जी फ्लाइट ठीक थी ना? ओए फ्लाइट क्या होनी है, पीआईए के जहाजों के इंजन तो ठीक चलते नहीं यार। है जी क्यों? ओए चटके मारता जहाज बार बार। ओ ताया जी वो चटके नहीं होते, वो हवा के अंदर उसको टर्बुलेंस हो रही होती है। वाह भाई वाह, कराची में रह के अंग्रेजी बड़ी सीख गया तू, वैसे बीए हुआ नहीं तुझसे। टर्बो क्या चल रहे हैं, वो तो साधे नहीं चल सकते। भाई अपना मेला हुआ पहले चलते हैं घर, अंदर चल के नाश्ता नुश्ता फड़काते हैं, फिर देखते हैं कि आगे करना है। नहीं चौधरी, मैंने पहले जाना अब्दुल्ला शाह गाजी साहब के मजार पे फातिहा पढ़नी है। हाँ नहीं ये तो बहुत जरूरी है जी। वैसे एक बात है चौधरी, हाँ जी, ये कराची काफी बदल गया यार। हाँ जी कराची तो बहुत बदल गया। तुसी लास्ट कदों आए सी कराची? अल्लाह भला करे चौरी, मैं पिछली दफा आया था कराची 1963 में। 1963 में हद हो गई थी। हाँ भाई आ चौरी आ जा बैठ प्लीज। आय हाय ये मैं क्या मकान अपना है अन्ना जी, मैं तो ताके की शादी के लिए टेम्परेरी लिया हुआ सर कराची में। अच्छा अच्छा। ओ भाई फैसलाबाद छोड़ तो नहीं दिया ना? ना जी फैसलाबाद किस तरह छूट सकता है जी, मैं तुझे इलेक्शन में भी खड़ा हो रहा हूँ। अच्छा ले भाई ये तो कमाल कर दी तूने, ये तो तू बड़ी हिम्मत की थी है, वरना सच्ची बात ये है चौधरी विवाह के बाद तू जा पड़ा था। अब आपसे मशवरे करने हैं जी सियासत के। हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसे ऐसे मशवरे दूंगा के कमाल हो जाएगी। वालेकुम सलाम, मेरा पुत्र है जी विकी। अच्छा अच्छा अच्छा, ताया जी आपका हुक्का। माशाल्लाह माशाल्लाह, वैसे चौधरी 100 बातों की एक बात है, है? ये लड़का तुझ पे नहीं गया तेरे बड़ा, ये तो माशाल्लाह बड़ी चंगी शक्ल का बच्चा है। क्यों? मेरी को ऐसी शक्ल थी जैसे इसने पहनी हुई टी शर्ट। और ताया जी गांव की तो सुनाए। ओ गांव की क्या सुनानी ताके पुत्र, गांव वही का वही है, उसको क्या होना माशाल्लाह। सलाम अलैकुम भाईजान। अच्छा वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम भाई, भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको बेटे की शादी की। शुक्रिया भाईजान, बड़ी अच्छा किया है जो आप आ गए। लो जी कमाल हो गई, मैंने क्यों नहीं होना था। ओ भाई मेरे भाई का कला कला वारिस है, आना ही था ना मैंने तो अपना। हाँ याद आ गया, ये लो ये तुम्हारे बेटे की हाँ की है। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तुझे कितना पता तू शादी कर ले, तुझे कुछ मिल जाना था। और अपना बेटा और को पैसों पूसों की जरूरत तो नहीं इंतजामों के लिए? और नहीं नहीं ताया जी, इंतजाम हमारे सारे मुकम्मल हो गए हैं। अच्छा नहीं फिर भी मैं क्या भाई, ऐसे जरूरत पड़ जाती है तो वो ऐसा है भाई मेरा अंदर सामान है ना उसमें काला ब्रीफकेस जो पड़ा है उसमें है वो 20-25 लाख रुपया, तो वो निकाल ले। भाईजान 20-25 लाख रुपया आपने ब्रीफकेस में रखा हुआ है? ओए हाँ चौधरी देखो अजीब बात है, वो मैंने कोशिश की थी सलूके की जेबों में डालने की, फिर पार से जेबें पाटनी शुरू हो गई। तो मजबूरन फिर ना ब्रीफ केस में रखने पड़े जाते हैं। अच्छा भाई मुंह हाथ धो लें तो फिर नाश्ता करते हैं। हाँ जी चलो आओ जी, ले काका हो कपड़ा ए ताके जाके वॉशरूम में मुंह हाथ धुलवा के ला अच्छी तरह बड़े पाजी का। ताया जी इस पासे हैं। आ जा आ जा ताकिया पटाकिया आ जा। आओ ताया जी इस तरफ।
चुप कर जा। वो हमने असल में वड्डे पाजी का रोब इतना है तो सिर पे दुपट्टा ना लेते तो और क्या करते, मजबूरी से लिए हैं। चुप कर। वैसे हम लोग नेक पुरवी में लग रहे हैं ना। अरे पुत्र 30 साल में जो काम मैंने ना कर सका वो पाजा ने 30 सेकंड में करा दिया है। ना करे कुछ ऐसा भी गल्ला, तुसी अपनी पड़ासा ही कटदे रहना हर वेले, भंबड़ ही बलदे रहंदे ने तुहाडे ढिड दे विच। अच्छा मैं जरा चूल्हे पे चाह रख के आई हैं। अच्छा वैसे मम्मी जी सलूका क्या होता है? सलूका बेटे वो होता है अपना कमीज की छोटी बहन तो बनियान का बड़ा भरा जी, मतलब कि जिस तरह वेस्ट कोट का अंडरवियर समझ लो ना। हम बड़ी सीरियस बात कर रहे हैं। तुम दोनों की ड्रेसेस आ गए हैं ना? मामा और खाला के आ गए थे, नोमी जो है मेहंदी की सुबह मेरा ड्रेस डिलीवर कर देगा। बाकी सब क्या आ गए हैं तो तुम्हारे क्यों नहीं आया अभी तक? नानी वो नोमी कह रहा था कि उसने बहुत इमरजेंसी में स्टिच किए हैं, उसमें वर्कलोड भी बहुत था ना। देखो अगर वक्त पर ना पहुंचे तो फिर डोंट वरी पहुंच जाएंगे। और उस दिन अगर पैनिक में तुम रोई ना तो मुझे मत कहना। तुम पैनिक में रोती भी हो? कभी कभी। मैं भी। हेलो। हाँ भाई देखो तुमने जरूर आना है। ओके थैंक यू भाई। एक ऐसी खुशखबरी है शिला कि तुम्हारी सास सुनकर पागल हो जाएंगी। क्यों बाबा? मैंने रीमा को इनवाइट कर लिया है शादी पे। व्हाट? रीमा वो फिल्म स्टार? यस ऑफ कोर्स। भाई सायमा चौधरी कहीं बेहोश ही ना हो जाए। रीमा को ना बेहोश कर दे वो नानी। अच्छा शिला सायमा को बता देना कि मैंने अपनी तरफ से इनविटेशन दे दिया है। और ये भी बता देना कि मैंने भी अपनी तरफ से एक इनविटेशन दे दिया। तुमने किसको दिया? खालिद भांजी। क्या? इतना परेशान होने की क्या बात है? He was so sweet, उसने कितनी हमारी हेल्प की थी। मेरे ख्याल में तो ये एक अच्छा आइडिया। और वो इतना स्वीट है, जब मैंने उसे फोन किया तो कहने लगा हाँ मैं जरूर आ जाऊंगा सिर्फ आपके लिए रबिया जी। Oh, how sweet.